हमेशा पत्रकारों से घिरे रहने वाले मंत्रियों को भी कभी कभी पत्रकार बनने की चाह रहती है। सोमवार को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही हुआ। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 29 इंडिया के संवाददाता से माइक लेकर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान से कुछ सवाल किए। धार से लौटते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से न्यूज 29 इंडिया के संवाददाता ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के बारे में प्रश्न पूछा तो श्री तोमर ने संवाददाता से माइक आईडी अपने हाथ में ले लिया और साथ खड़े पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह के सामने कर दिया। नंद कुमार सिंह ने मोदी शासन की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री को पत्रकार की भूमिका अदा करते देख वहाँ मौजूद सारे नेता और पत्रकार मुस्कुरा उठे। मोदी जी ने भारत सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उस बारे में बताएं। मोदी जी के सफलतम 4 वर्ष इस देश के लिए गौरवशाली रहे हैं। 4 वर्ष में हमारे देश की बहुत तेजी से प्रगति हुई है। जन जन के कल्याण के लिए मोदी जी ने भारत सरकार से जो योजनाएं लागू की है उसका सीधे गरीबों तक लाभ पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तो उज्ज्वला गैस योजना में और सौभाग्य योजना में ये सीधे गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं भारत सरकार की तरफ से लागू हुई हैं। वहीं इस 4थे वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सारे तमाम गरीबों के लिए असंगठित कामगार कल्याण योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से करोड़ों गरीबों को लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आज भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का धार में मोदी जी के सफलतम 4 वर्ष पूर्ण होने पर एक किसान सम्मेलन आपके मुख्य आतिथ्य में हुआ और किसानों ने आज मोदी जी और शिवराज जी के सरकारों के द्वारा उनके लिए जो काम किए जा रहे हैं उसके लिए खुशी जाहिर है।